जोगिंदर सोनी, बीजेपी जनरल सेक्रेटरी सर। तो आज आप किस नाम पर आए हो, आज आप लोगों ने क्या किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज कोरोना के खिलाफ जो है वो हमारा भारत और पूरी दुनिया जो है वो लड़ रही है। तो इसी लड़ाई के दौरान हमने ये देखा कि जितने भी पुलिसकर्मी, मीडियाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, जितने भी लोग और संस्थाओं के लोग जो लगे हुए हैं, वो इस कोरोना की जंग में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। उस अहम भूमिका को देखते हुए हम ये चाहते हैं कि हम उन लोगों को, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए हम उनको जो है वो सम्मानित करें। इसी अभियान के दौरान हमने कीर्ति नगर सिरसा के अंदर जो चौकी पड़ती है उनके सभी कर्मचारियों को, और DSP साहब राजेश चेची जी भी आए और उनको जो है वो हमने सम्मानित किया, और हमारे साथ जो है वो आप जैसे जो मीडियाकर्मी हैं हमने उनको भी सम्मानित किया। कि एक सिम्बोलिक एक चीज़ होती है कि हम समाज के अंदर एक ऐसा संदेश दे सकें कि जो लोग हमारे साथ मिलकर के चल रहे हैं, जो समाज की बुराई के साथ लड़ रहे हैं और जिनको इसका खतरा ज़्यादा रहता है, हम उन लोगों को सम्मानित करें, ना कि हम उनको जो है वो उनके खिलाफ चलें। जैसे कि आपने देखा होगा कि देश से पहले बहुत सारी ऐसी खबरें हमने देखी कि मीडिया कर्मियों के ऊपर भी जो है वो आघात हुए, पुलिस कर्मियों को भी मारा गया, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके ऊपर भी अटैक हुए। तो उन लोगों के खिलाफ हम ना जाकर के उनके पक्ष में और समाज जो है वो उनके साथ मिलकर के काम करें, ताकि हम इस इतनी बड़ी जो त्रासदी है पूरे मानव जाति के ऊपर, हम उसे निजात पा सकें। तो दूसरा सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा कि सिरसा की अगर मैं बात करूँ तो सिरसा के अंदर जितनी भी संस्थाएँ काम कर रही हैं, वो सारी की सारी संस्थाएँ सामाजिक उद्देश्य को लेकर के काम कर रही हैं, चाहे वो राजनीतिक पर्सन हो, चाहे वो सामाजिक संस्थाएँ हों। तो सभी की सभी सामाजिक संस्थाएँ, जैसे कि शहीद भगत सिंह ब्रिगेड में